हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदित्य किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे परफेक्ट टिप्स के साथ पालक पनीर। दाल आया है। हमने यहाँ पर 300 ग्राम लगभग 300 ग्राम पालक लिया है। इसे मैंने दो तीन बार अच्छे से धो लिया है और इसके बड़े बड़े डंठल भी काट लिए हैं। इसे हम पानी में डाल देंगे और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पानी में रहने देना है। ज़्यादा देर तक अगर पानी में रहेगा तो इसका न्यूट्रिशन कम होगा, इसलिए हम जल्दी से ही पानी गैस को ऑफ कर देंगे। पालक सॉफ्ट हो गया है, हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, ये बात ध्यान में रखिए। और हम इसे निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा देर तक पालक पानी में रहेगा गर्म पानी में तो काला भी पड़ जाता है और अपनी ग्रेवी भी काली हो जाएगी। सभी पालक हम छन्नी में निकाल लेंगे और इस पर फ्रिज का ठंडा पानी डालना है ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है स्टॉप हो जाए उधर ही। मसाले भी ठंडे हो गए हैं और सॉफ्ट भी है। पालक के साथ ये मसाले भी हम पिसवा लेंगे। पालक में मिक्सी में डाल देंगे। और उसके साथ मसाले भी डाल दिए हैं। हमें यहाँ पर पानी का ऊपर से इस्तेमाल नहीं करना है, फाइन पेस्ट बनाना है पालक की। अगर पानी ज़्यादा होगा तो पतला हो जाएगा और जो तेज पत्ता डाला था वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से गाढ़ी और फाइन पेस्ट बनाना है हमें। उसी कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून घी डाला है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 10 लहसुन की कलियां, फाइनली चॉप लहसुन की कलियां ली है, वो अच्छे से भून लेंगे गुलाबी होने तक ताकि लहसुन का स्वाद घी में उतर जाए।
घी डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो पालक से एसिडिटी बनती है वो भी कम होती है। उसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और सुगंध भी बढ़ता है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और भून लेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम 1 टीस्पून मिर्च पाउडर डाल देंगे, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं। रोस्टेड जीरा पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए। थोड़ा चाट मसाला डाला तो भी चलेगा, टेस्ट बहुत अच्छी आती है पालक पनीर की। और उसमें हम जो ग्रीन ग्रेवी बनाई थी वो डाल देंगे। और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्सी जार में जो बची हुई ग्रेवी है उसमें पानी डालकर 1/4 कप पानी डाला है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ऊपर से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। हमें पालक को पका लेना है, मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। उसमें हमने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है 1/2 टीस्पून। अच्छे से 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल देंगे। घर का क्रीम डाला तो भी चलेगा। और मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी का कलर भी निखर के आता है, चमक भी आती है ग्रेवी पे के ऊपर। और हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया था, उसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं मैंने। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप पीसेस बना सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। पनीर को ज़्यादा पकाना नहीं है, अगर पनीर ज़्यादा पके तो हार्ड हो जाता है। और पनीर को हम पनीर ग्रेटेड पनीर से सजा लेंगे। पालक पनीर बनकर रेडी।